हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हर्ष शर्मा क्रिएशन। और आज मैं बनाने जा रहा हूँ 3D पीकॉक पेंटिंग। पेंटिंग बनाने के लिए मैंने 4x4 का कैनवास लिया है और उस पर अपना पीकॉक ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद मैंने एयर ड्राई क्ले लिया है और क्ले से जो पीकॉक की शेप है, जहाँ जहाँ भी मुझे 3D इफेक्ट देना है वहाँ पे क्ले को अप्लाई कर दिया है। और यहाँ पे क्ले को चिपकाने के लिए मैंने फेविकॉल का यूज़ किया है। फेविकॉल से क्ले को चिपकाने के बाद हम अच्छे से जो भी शेप देनी है उसे शेप दे देंगे और स्मूथ कर देंगे उसे। स्मूथ करने के लिए मैंने यहाँ पे पानी का यूज़ किया है और क्ले टूल्स होते हैं उसका यूज़ किया है। इसी प्रोसेस को फॉलो करके मैंने पूरा पीकॉक का जो भी 3D इफेक्ट देना था वो बना दिया है। उसके बाद मैं एक क्ले टूल लेके उससे उसमें डिटेलिंग दे दूँगा। और डिटेलिंग देने के बाद अब मैंने यहाँ पर जैसो लिया है। अगर आपके पास जैसो नहीं है तो आप वाइट एक्रेलिक की पेंट भी कर सकते हैं। जैसो अप्लाई करने के बाद अब मैं जो भी बेस कलर हैं वो सारे कलर ऐड कर दूंगा। ब्लू कलर, येलो कलर और पीछे बैकग्राउंड में ग्रीन कलर। अभी सिर्फ मैं यहाँ पे बेस कलर दे रहा हूँ, अभी कोई डिटेलिंग ऐड नहीं कर रहा हूँ। जब ये बेस कलर हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डिटेलिंग ऐड करूँगा। अब बेस कलर हो जाने के बाद मैं जो भी पिकॉक के फैदर में डिटेलिंग होती है वो ऐड करूँगा। अब मैं पीकॉक के पंख हैं उसमें डिटेलिंग ऐड करूँगा। उसके लिए मैंने पहले वाइट कलर से लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। उसके बाद मैं डिटेलिंग करने के लिए डार्क कलर से शुरुआत करूँगा। पहले डार्क ग्रीन कलर से जो भी फैदर में डिज़ाइन होते हैं वो ड्रॉ करूँगा। ये हो जाने के बाद मैं एक लाइट ग्रीन कलर से ऐड करूँगा। उसके बाद मैं ये दोनों लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन हो जाने के बाद उसके बाद मैं ब्लू कलर से थोड़ा ऐड कर दूंगा डिटेल। और वो हो जाने के बाद मैं येलो कलर से हाईलाइट कर दूंगा। उसके बाद मैंने ये ब्राउन कलर लिया है और ब्राउन कलर से डिटेलिंग ऐड की है। अब मैंने यहाँ पे 3D आउटलाइनर लिया है और उससे पीकॉक पे जो भी छोटी छोटी डिटेलिंग होती हैं वो ऐड की हैं। यहाँ पे हमारी पेंटिंग रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।